पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कल राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामणि जी की हत्या कुछ कायरों के द्वारा उनके घर में घुसकर कर दी गई। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने संपूर्ण क्षत्रिय समाज के लोगों ने यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया है और हमारी राष्ट्रीय टीम से बात भी हो रही है। हम बस उनके जो मिलने वाले निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कल से कि कब हमें राजस्थान जाना है। हमारे अध्यक्ष जी लोग पहुँचे हुए हैं। आज कुछ लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने यहाँ प्रदर्शन किया, क्षत्रिय समाज के लोगों ने। कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। उस प्रदर्शन में हम ये मांग करने वाले हैं, पहले तो वो प्रदर्शन महाराणा प्रताप चौक पर होगा। हम कई घंटे वहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जाएगी हम लोग रेल रोकने का कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि मतलब पब्लिक को परेशानी हो। लेकिन कब तक सारी चीज़ें हम ही दिखाएंगे और समाज, सरकार, सिस्टम, वो मुझे लगता है अपनी सही भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है। गोगामणि जी ने जब कई महीने पहले से सरकार से ये अपील करी थी, मांग करी थी कि उनकी जान को खतरा है, और वो कह रहे हैं कि आईबी को, इंटेलिजेंस को पता है, उनके द्वारा उनको पता चला, तो जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उनको इस पर एक बड़ा गंभीर तरीके से सोचना चाहिए था, उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हमें गुस्सा उन पर भी है, गहलोत सरकार पर भी है, और जो अब सरकार बनी है, हालांकि शपथ नहीं हुई, लेकिन ऐसा तो ना कि कोई सरकार ने शपथ नहीं ली है तो किसी को भी मार दिया जाएगा। और कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, वो क्षत्रिय समाज के बड़े नेता थे, और उनकी इस तरीके से हत्या हमारे अंदर बहुत रोष पैदा कर रही है, व्यक्त कर रही है। हम एक मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि एक कोई गुट है, उस गुट का जो नेता है, लॉरेंस समथिंग नाम है उसका, उसके गुट के किसी नेता ने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उस घटना की जिम्मेदारी ली, हत्या की जिम्मेदारी ली। मेरा ये सवाल है सरकार से, सिस्टम से, कि उस गुट का एक नेता, यहाँ पे जो मेन मुख्य नेता है, जेल में बंद है, उस मुख्य नेता को नहीं मारा जा रहा है। कभी वो सलमान खान को धमकी दे देता, कभी किसी को मरवा देता, आज इतने बड़े नेता को छत्तीस समाज मरवा दिया। हम ये अभी डिसाइड कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग अभी आने वाले हैं, ये तय करेंगे और ये मांग करने वाले हैं कि अगर उस नेता को, जिसका नाम लॉरेंस है, अगर नहीं मारा जाता, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनका तो एनकाउंटर होना ही चाहिए। जैसे बाबा जी हमारे उत्तर प्रदेश के CM हैं, जैसी वो नीति अपनाते हैं अपराधियों के खिलाफ, ऐसी नीति उनको भी अपनानी पड़ेगी। वो मार दें उसको, एनकाउंटर करें। उसके साथ साथ वो लॉरेंस जो गुट है, उसका जो लॉरेंस जो है, वो जो बंद है, उसको भी, उसका भी एनकाउंटर की मांग करते हैं हम लोग। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जगह जगह, जिलों जाके, शहरों जाके, स्टेट जाके, हम क्षत्रिय समाज को एकत्र करेंगे और जिस भी जेल में बंद है वो, हम उस जेल की तरफ अपना बढ़ना शुरू कर देंगे। प्रशासन, हम संविधान की इज्जत करते हैं, पवित्र संविधान है, देश संविधान से चलेगा। हो सकता है संविधान ये कहता हो कि जो सजा याफ्ता व्यक्ति है उसको सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर वो अंदर बैठे बैठे डिसीजन लिए जा रहा है, निर्णय लिए जा रहा है, लोगों को मरवाया जा रहा है, तो ये क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने, मतलब हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमें रोक रखा है। अभी आपने देखा, ये बंदर रो रहा था, भावुक हो रहा था, ऐसा ही रोष हम सबके अंदर है। बस हमें एक निर्णय लेने की जरूरत है, वो आज हम 100% अगले एक घंटे में निर्णय ले लेंगे। उसके बाद जो भी कल होगा हम आप सबको बता देंगे। कल हम रेल पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।